नमस्कार। आज मेरे पिताजी की 78वीं पुण्यतिथि है और कोरोना की वजह से हम लोग आज हमारा कार्यक्रम नहीं कर सके, उसका मुझे बहुत दुख है। एक ही है कि इसी साल मतलब आगे मेरे पिताजी की जयंती भी आती है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये उनकी जयंती पे ये प्रोग्राम करें। 1942 में मेरे पिताजी की डेथ हुई और 43 से मैंने ये पुण्यतिथि मनानी शुरू की। करते 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 हर साल मैं करती थी। जब 25 साल हुए बाबा के जाने के बाद, मैंने हृदयनाथ को जाके कहा कि अब तुम संभालो ये काम और तुम अब बाबा की पुण्यतिथि किया करो, हम सब वहाँ हाजिर होंगे। और हृदयनाथ ने इतना सुंदर बनाया है, बहुत आर्टिस्टों को बुला के वो उनको अवार्ड देता है, पैसे देता है, बहुत अच्छा कार्यक्रम करता है, लोगों को बहुत मदद करता है। और इसीलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि हृदयनाथ अपना काम निभा रहा है। मैं कोरोना के इसमें एक ही बात कहना चाहती हूँ, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और उनके साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसी तरह हमारी पुलिस इतना काम करती है, इतना काम करते हैं, बेचारे पत्थर भी खाते हैं, फिर भी वो अपने घर से निकल के आते हैं, काम करते हैं और सबकी बात सुनते हैं, मानते हैं, कोशिश करते हैं सबको खुश रखने की। तो मैं इनको बहुत 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 आभार मानती हूँ, उनकी आभारी हूँ मैं। और मैं जाते जाते आपको ये कहूँगी कि घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, हाथ 5-6 मर्तबा साबुन से धोइए और कोशिश कीजिए कि साफ रहिए, घर साफ रखिए, खाना साफ हो, सब अच्छी तरह से रखें। बाकी तो भगवान की इच्छा होगी, वही होगा। पर मुझे यकीन है कि हम कोरोना को जरूर भगाएंगे। नमस्कार।